दुनिया की सबसे उम्रदराज महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के कैसल में उन्होंने अंतिम सांस ली। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उनके निधन पर दुनिया भर में शोक और संवेदना की लहर है। क्वीन का कॉफिन जो है दो दिन बाद पहुंचेगा बकिंगम पैलेस, और उसके बाद डे 8 और डे 9, आठवें और नवे दिन वेस्टमिंस्टर पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर यानी कॉमन्स में रखा जाएगा, जहां लोग आकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और फिर इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहा जा रहा है, और जो असेशन ऑफ किंग है उसे ऑपरेशन स्प्रिंग कहा जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों ही एक साथ चलने वाले हैं। बात एक तरह से बहुत बहुत दुखद बात है, लेकिन फिर किसी न किसी को इस देश की कमान राजा के तौर पर उठानी है और निभानी है, तो किंग्स चार्ल्स अपना पूरा कार्यक्रम करेंगे। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम सांस लेने पर उनके बेटे चार्ल्स की ओर से बयान जारी किया गया। उन्होंने अपनी मां के निधन पर गहरा दुख जताया। चार्ल्स की ओर से जारी बयान में कहा गया, मेरी प्यारी माँ और महारानी के निधन मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए बेहद दुखद पल है। उनके निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे पता है इस वक्त पूरा देश, राष्ट्रमंडल और दुनिया के अनगिनत लोग उनके निधन से दुखी होंगे। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद वरिष्ठता के आधार पर उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटिश क्राउन संभालेंगे, यानी वो नए किंग हैं। और 73 साल के चार्ल्स की पत्नी कैमिला क्वीन बन गई हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। आज तक ब्यूरो।